आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत भूमि के मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसावत तहसील से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डोंगर गांव। और डोंगर गांव में स्थित है सत्यधाम आश्रम। आज हम बात करेंगे सत्यधाम आश्रम के बारे में। डोंगर गांव में सत्यधाम आश्रम मां नर्मदा के किनारे प्रफुल्लित है। और डोंगर गांव के समीप मां नर्मदा की 1000 सहस्त्र धाराओं पावन सहस्त्र धारा के दक्षिणी तट स्थित सुरम्य पहाड़ी पर विराजित है भगवान श्री परशुराम महादेव मंदिर। ये पावन धाम सत्यधाम शक्तिपीठ आश्रम के नाम से विख्यात है। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम मां नर्मदा सहस्त्र धारा के दक्षिण में स्थित सुरम्य पहाड़ी पर भगवान परशुराम जी की गुप्त तपोस्थली सत्यधाम पहुंचे हैं, जो कि बहुत ही पवित्र और अद्भुत चीजें देखने को मिलेगी। पवित्र और अद्भुत और अद्भुत रहस्यों से भरपूर इस मंदिर में पहुंचे। अद्भुत रहस्यों से मतलब है कि यहाँ पर आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन होंगे। और भी यहाँ पर देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, आपको भगवान कृष्ण का मंदिर देखने को मिलेगा और भगवान विष्णु के वामन अवतार को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक गौशाला देखने को मिलेगी, एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र हवन कुंड देखने को मिलेगा और आपको भगवान परशुराम की एक तपोभूमि देखने को मिलेगी, एक गुफा देखने को मिलेगी और ये एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवता का मंदिर है। माता कद्रू के शाप से मुक्ति पाने के लिए नाग देवताओं ने इस जगह पर कभी तप किया था। यहाँ कई बार नाग देवता ने मनुष्य के रूप में भी भक्तों को दर्शन दिया है, इसलिए इसको इच्छाधारी नाग मंदिर भी कहते हैं। भगवान सत्यनारायण विष्णु, भगवान सत्यनारायण है श्री विष्णुनाथ धृतम रूपम। भगवान विष्णु ने जो रूप धारण किया था तो श्वेत वर्ण भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार है। शंकर चक्र गदा पद्मधारी, उनके पास में नारद के रत्न राजन घंटा ध्वनि बाजे, नारद जी भगवान विराजमान है। उनके पास में भी प्रसादानंद है, जो काशी के संत थे जिनको पहली बार भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिया था। और इन्हीं का दूसरा अवतार सुदामा के रूप में हुआ, जो कृष्ण के साथ पढ़ करके उज्जैन नगरी में वे थे भक्त सुदामा। तो सत्यनारायण भगवान है, इन्हीं के सत्यनारायण के ही इधर साइड में भगवान नरसिंह अवतार है, जिनके पास में माँ भगवती लक्ष्मी विराजमान है। नरसिंह भगवान को जब पहचान नहीं पाए भक्त देवता कहीं कि ये कौन सा उपाय नापी नरो नापी से हो और विचित्रों में हो, तो उस समय भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि आप मेरे वामांग में विराजमान हो, तो देवताओं को भ्रम मिट जाए। और उस समय लक्ष्मी उनके वामांग में बैठ गई, जैसे देवता समझ गए लक्ष्मी पति स्वयं श्री हरि के अवतार नरसिंह भगवान है, उन्हीं के पास में उनका उपासक भक्त प्रहलाद भी है। भगवान नारायण के पंचायतन में अग्नि कोण में वासुदेव श्री कृष्ण की विग्रह का शास्त्र में वर्णन है, उसी के अनुसार यहाँ पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण विराजमान है। शंख और चक्रधारी है, उनके पास में वामन भगवान है, जो राजा बलि के यहाँ 3 पैर धरती मांगने के लिए गए थे, वे भगवान श्री हरि के अवतार वामन भी विराजमान है। यहाँ पर शिव शक्ति का संयोग है, नीचे गुफा में भगवान शिव है, ऊपर उनके शक्ति विराजमान है, अष्टभुजा महारानी जगदम्बा विराजमान है, उन्हीं के पास में अखंड ज्योति जलती है, देवी को उपांग भैरव जी भी वहां पर बटुक भैरव के रूप में विराजमान है,
इस तरह से माँ जगदम्बा जिसके सम्मुख यहाँ नित्य ही होम होता है और नित्य ही दुर्गा पाठ होता है और ये भगवती के सारे उत्सव नवरात्रि इत्यादि हमेशा ही विशेष उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। भगवान सत्यनारायण के सत्यधाम मंदिर में ब्रह्मा और सावित्री का भी मंदिर है। भगवान ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है, चार मुख है उनके, चार भुजा है और उन्हीं के पास में उन्हीं की शक्ति माँ भगवती सावित्री जिसे सरस्वती कहते हैं, सरस्वती ने ही सावित्री का रूप धारण किया है। उन्हीं के ब्रह्मा जी के पास में चार वेद है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राज में है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का यह पहला मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के साथ विराजमान है वेदों के साथ। इनके यहाँ सम्मुख नित्य वेद पाठ और हवन इत्यादि होते रहते हैं। वीडियो में आगे पंडित जी से बात करके जानते हैं यहाँ की प्रवेश गुफा के बारे में और यहाँ के मंदिर के बारे में। तो पंडित जी बताइए कि ये जो गुफा है इनकी, इस गुफा की जो परशुराम जी की गुफा है उनकी क्या विशेषता है? जी, यहाँ भगवान परशुराम जी ने तपस्या करी थी और तपस्या करके भगवान महादेव जी को प्रसन्न किया था और जो उनके द्वारा पूजित शिवलिंग है उसका हम दर्शन कराते हैं आपको। जय श्री। अच्छा, आगे तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में तपस्या स्थली और आगे हमको महात्मा जी बताएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यात्रा के प्रारंभ में सर्वप्रथम यहाँ गणेश जी का दर्शन होता है। ओके। जैसे कि हमारे यहाँ कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का वंदन किया जाता है और आगे यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। ये गुफा में हम जब जाएंगे तो इस प्रकार से पहले आश्रम का एक नक्शा तैयार किया गया था जो कि यहाँ पर एक चित्र के रूप में दर्शाया गया है। आगे हम लोग प्रवेश करते हैं। जब हम गुफा के लिए प्रवेश करेंगे सर्वप्रथम गुफा का द्वार दिखाई देगा। यह वही शिव गुफा है जहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी ने विराजमान होकर भगवान शिव की तपस्या आराधना किया था। ये सभी स्थान भगवान के भक्त मंडली का भजन कीर्तन तप करने के लिए स्थान बनाया गया है। यहाँ से सामने ही बालाजी हनुमान जी का भी दर्शन होता है, सहस्त्र धारा का भी दर्शन यहाँ से होता है क्योंकि नर्मदा के दक्षिण तट सहस्त्र धारा के किनारे विराजित होकर के परशुराम जी ने तप किया था। आइए भगवान का दर्शन करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्रावि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। परशुराम महादेव की जय। बोले शंकर भगवान की जय। यह परशुराम महादेव की पावन गुफा, यहाँ पर त्रेता युग में भगवान श्री परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों को आतताइयों का वध किया तो मन में उनकी अशांति हुई और उस अशांति को, उस ग्लानि को दूर करने के लिए जब उपाय जाना गया तब मां नर्मदा जो है सभी सुख और शांति को देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि शिव प्रिय में कल सेल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। कहा गया कि नर्मदा के दक्षिण तट सहस्त्र धारा के किनारे आप विराजित होकर भगवान का तप करो तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तो वही गुफा में विराजित होकर के भगवान श्री परशुराम जी ने कई वर्ष तक तप किया और महादेव जी को प्रसन्न किया। आप जो शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं यह भगवान परशुराम जी द्वारा पूजित शिवलिंग है और भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया।
भय से मुक्त किया और अपनी जटा से जल की धारा प्रवाहित करके उन्हें पवित्र किया। यहाँ जल का झीला भी है जिसमें सदैव जल विराजमान रहता है, इसे हम लोग गंगा झीले के नाम से भी जानते हैं। गंगा झील के नाम से भी यह जाना जाता है। यह शिव गुफा यहाँ के आचार्य जो मुख्य गुरु जी हैं महाराज श्री पंडित गोरेलाल जी शर्मा, उनके स्वप्न में दर्शन हुआ कि आप यहाँ पर खुदाई करें तो शिवलिंग प्रकट होगा। स्वप्न के अनुसार जब बार बार स्वप्न शुभ तिथियों में आता था तो गांव के भी सभी भक्तों ने विश्वास के साथ हमें खुदाई की और ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं पीछे का नेचुरल, ये पूरे नेचुरल पर्वत है। ऊपर से खुदाई करते हुए 20 फीट नीचे हम लोग आए हैं। खुदाई करते हुए जब नीचे आए तब स्वयं भगवान शिवलिंग प्रकट हुए और जल का झीला भी प्रकट हुआ। स्वप्न सत्य होने से ही इस आश्रम का फिर नाम सत्यधाम आश्रम रखा गया। यहाँ की कई महिमा है, कई बार यहाँ पर नाग देवता का दर्शन होता है। यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं अपने मन की इच्छा मनोकामना करके आते हैं, भगवान परशुराम महादेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री सत्यधाम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। अब हम लोग उस गुफा से बाहर निकलने का जो निर्गम मार्ग बनाया गया है, आइए बाहर चलते हैं, ऊपर दर्शन करते हैं आश्रम की दिव्यता का, भव्यता का। सत्यधाम आश्रम की स्थापना 29 अप्रैल 1998 अक्षय तृतीया के दिन हुई है और उसी दिन से लगातार यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। 365 दिन यहाँ पर हवन पर एक यजमान जोड़ा बैठता है और यज्ञ किया जाता है, जिनमें सब प्रकार के वैदिक मंत्र औषधियों के द्वारा हवन किया जाता है जिससे पर्यावरण भी शुद्ध हो। और हम देख रहे हैं कि नाना प्रकार की अभी बीमारियाँ फैल रही है और इनकी शुद्धि के लिए आज हवन होना जरूरी है जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो। आश्रम के चारों ओर छटा बड़ी ही निराली है। माँ नर्मदा के भी दिव्य शास्त्र धाराओं के यहाँ से दिव्य दर्शन होते हैं और जो भी भक्त लोग आते हैं मन मानो उनका प्रफुल्लित हो जाता है। बार बार मन भगवान के दर्शन को करता है। साधना के लिए शांति के लिए यह उत्तम स्थान भगवान का बनाया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.